Hello friends, welcome to our channel The Tree of Knowledge. This video is related to August month current affairs, national international GK, current events, knowledge updates और current affairs के लिए channel को subscribe करें. ये channel आपके आने वाले सभी competitive exams को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. So सभी videos आपके लिए helpful होंगी. So let's start our video. तो स्टार्ट करते हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स से. शुरू के कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे बुक्स और राइटर के सेक्शन से. फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंजरस अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी. डेंजरस अर्थ किसने लिखी है, एलन प्रेगर ने. ये हैं एलन प्रेगर, इनकी बुक है ये, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक बुक किसने लिखी. तो किसने लिखी है, ये लिखी है सानिध्या शर्मा और इनकी उम्र महज 11 वर्ष की है और इतनी सी कम उम्र में इन्होंने ये बुक लिखी है, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ठीक है ये बुक. अब आता है हमारा सेक्शन न्यू अपॉइंटमेंट से, ठीक है. जितनी भी आपकी अभी फ़िलहाल में अपने अगस्त मंथ में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं नई, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने. कौन बने हैं, ये बने हैं राजेश वर्मा ये हैं, ठीक है. IAS राजेश वर्मा अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने. तो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने. मुख्य न्यायाधीश मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे. तो ये बने हैं उदय उमेश ललित, ठीक है. कौन बने हैं, उदय उमेश ललित ये हैं, ठीक है. जस्टिस उदय उमेश ललित. भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने. ये बने सुरेश एन पटेल. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने, श्री सुरेश एन पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी वी वोडाफोन आइडिया, अभी दोनों कनेक्ट वो मिल गए हैं ना, मर्ज हो गए हैं वोडाफोन आइडिया, तो वी एक कंपनी बनी है दूरसंचार कंपनी, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रविंदर टक्कर ये हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए विश्व बैंक का नया निदेशक किसे चुना गया, ठीक है. भारत के लिए विश्व बैंक का नया निदेशक कौन होगा, ऑगस्ते तानो कौमे ये हैं. हाल ही में खेल की वैश्विक संचालन संस्था FIDE फिडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया. इसका फिडे का डिप्टी प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, ये चुना गया है चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद को, ठीक है. ये है विश्वनाथ आनंद. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली. किसने ली है, ये ली है नीतीश कुमार ने, ठीक है. नीतीश कुमार ये वैसे वहाँ के बिहार के 22nd चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन ये कई बार जीत चुके हैं, हर बार ज़्यादातर यही आ जाते हैं नीतीश कुमार, कई वर्षों से चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त कौन बने. कौन बने हैं, संजय अरोड़ा ये हैं नए पुलिस आयुक्त, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिरीक्षक कौन बने. NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इनका नाम है परवीन छाबड़ा, ये हैं परवीन छाबड़ा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR, ठीक है, CISR इसकी पहली महानिदेशक कौन बनी है. कौन बनी है, ये बनी है नल्ला थाम्बी कालाए सेल्वी ये है नाम इनका, ठीक है. वो हैं ये, ध्यान रखेंगे किसकी है ये, CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है. CISR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए. ये कौन है, क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत ये हैं,
ठीक है। और ठीक है, और जो ये है साथ में है, ये कौन है पता ही होगा आप लोगों को, पुष्कर सिंह धामी हैं, वहीं के सीएम हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, कहाँ के बने, केन्या देश है, केन्या, और इसके हैं विलियम रूटो, ये ध्यान रखेंगे, फोटो के साथ रिलेट करेंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है खेल जगत, खेल से रिलेटेड हैं कुछ क्वेश्चंस। हंगेरियन फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता, अधिकतर जितना भी ये फॉर्मूला वन रेस कार होती हैं, ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मेन जो नाम आता है मैक्स वर्स्टैपन का आता है, ठीक है, वो है ये मैक्स वर्स्टैपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, 13वां UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है, महिला यूरोपियन चैंपियनशिप पूछा है तो वो किसने जीता है, इंग्लैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट, बर्मिंगम राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं 2022 में, उसकी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट गेम्स हैं, इनके बारे में इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे अब आपके। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने, कौन बने हैं, संकेत सरगर, ये हैं संकेत सरगर, ठीक है। ये वेट लिफ्टिंग में, और इनको कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था, सबसे पहला एथलीट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल की सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, सबसे छोटी खिलाड़ी कौन है, अनाहत सिंह, कितने साल की, 14 साल की, और ये किसमें जो स्क्वैश होता है ना गेम, स्क्वैश प्लेयर है ये, स्क्वैश प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे पुराने फुटबॉल डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये तीन राज्य मिलकर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम एंड मणिपुर, डूरंड कप ये सबसे पुराना कप है, ठीक है, फुटबॉल का, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की, किसने की है, सेरेना विलियम्स ने, ठीक है, और 23 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, और ये कहाँ की हैं, US की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही हांडी किस राज्य का एक आधिकारिक खेल बन गया है, दही हांडी कहाँ का, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा, कब होगा, मार्च में होगा, नेक्स्ट ईयर 2023 में। अब आता है इम्पोर्टेंट डेज वाला सेक्शन, तो इस सेक्शन में हमने जितने भी आपके अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज आते हैं उन सबको कलेक्ट किया है। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया, कब मनाया गया, 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस, द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, आदिवासी जनजाति से है ना, वो संथाल जाति है उनकी, संथाल जाति से रिलेटेड है, तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया, 12 अगस्त को, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। फिर 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, जो बस जो इम्पोर्टेंट है ना वही वाले डेज लिए हैं, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया, 19 अगस्त को ही, दोनों सेम डे, कौन सा, विश्व मानवतावादी दिवस और आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये दो हैं आपके जो कि सेम डे पे पड़ते हैं, फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस। फिर आता है एक विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया, तो ये आता है आपका 20 अगस्त को, नेक्स्ट डे। कौन सा राज्य शिक्षा काउंसिल बनाने का की योजना बना रहा है, शिक्षा काउंसिल कहाँ पे बन रही है, उत्तर प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य है ऑनलाइन टैक्सी सेवा, अच्छा कौन से राज्य में ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू हो रही है, ये पहली आपकी ऑनलाइन टैक्सी सेवा होगी, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग होगी, तो ये कहाँ पे होगी,
कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है आपके केरल में। और इस सेवा का नाम क्या रखा गया है वहाँ पर, केरल सवारी के नाम से ये पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, कहाँ पे शुरू की है, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास सैन्य अभ्यास एक्स विबनेक्स विनबैक्स क्या है, एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ, कहाँ पे किसके साथ हुआ, ये विन से वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के साथ भारत का एक्स विनबैक्स 2022 शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, आर्या वालवेलकर, ठीक है वो हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी, कहाँ पे शुरू होएगी, कोलकाता में। ठीक है, ये पहली है आपके इंडिया में बनेगी इस तरीके की कि पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा ट्रेन में बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के छात्रों को फ्री शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, किसने किया है, EWS के छात्र हैं जो मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है आपके उनके लिए फ्री में एजुकेशन मिलेगा, तो वो है हमारे हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रख दिया है। अब ये मंकी पॉक्स जिसमें कि आपको छोटे छोटे ना बॉडी पर दाने हो जाते हैं, ठीक है, ये मंकी पॉक्स वायरस जैसे आपका ये था अभी कोरोना वायरस, उसी तरीके से मंकी पॉक्स चल रहा है, तो उसका नाम बदल कर इन्होंने क्या रख दिया है WHO ने, क्लेड। ठीक है, और इसके भी क्लेड्स के भी ना नए नए वेरिएंट आ गए हैं, क्लेड 1 क्लेड 2 करके ऐसे करके क्लेड 3, तो ये वेरिएंट आ गए हैं इसके अब तो, लेकिन नाम इसका जो है चेंज होके क्लेड्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, कौन सा था ये, 76वां, याद रखेंगे 76वां स्वतंत्रता दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश झुंझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, ये कौन थे, ये थे निवेशक और शेयर व्यापारी, बहुत फेमस थे ये। ठीक है, शेयर बाजार में शेयर मार्केट में राकेश झुंझुनवाला ये हैं, इनका निधन हो गया 62 वर्ष के थे। PM मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया है, अमृता नामक एक प्राइवेट अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा है ये, कहाँ पर है, हरियाणा में फरीदाबाद जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता वैधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, कहाँ की जाएगी, गढ़वाल उत्तराखंड में। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम, क्या होगा, धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए ये भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, और ये अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस वाली किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो कहेंगे दिगंतरा। ठीक है, ये वाली वेधशाला जो है दिगंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है, जिसने बहुत अच्छे से आपकी रिपोर्टिंग की थी, कमेंट्री की थी, तो वो हैं फहमीदा अजीम, ये हैं फहमीदा अजीम। ठीक है, पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को उनकी हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उनका एक उपन्यास था प्रमेय, उसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा, उनका नाम है भगवंत अनमोल, ये हैं भगवंत अनमोल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ठीक है, जब पोषण की कमी हो जाती है तो आंगनवाड़ी ने अंडा और दूध की योजना, मतलब कि जिसमें अंडा और दूध दिया जाएगा बच्चों को, तो वो कौन से राज्य में शुरू किया है? ये है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा? ठीक है, कौन से क्षेत्र से हैं ये पुनीत राजकुमार? ये हैं आपके फिल्म से, और ये एक एक्टर है। ठीक है, ये एक्टर थे जो कि अब उनको मरने के बाद, उनको मतलब इनकी मृत्यु के बाद आपको इनको कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा। इनकी मृत्यु के बाद इनको कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा, जो कि एक फिल्म एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये हैं तिब्बत के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं ये फर्स्ट वाले, ये आपके मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने कहा कि प्रस्ताव रखा कि विश्व में जो अशांति फैल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए शांति आयोग बनाया जाएगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन कौन करेगा? उसमें तीन लोग करेंगे, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, दूसरे हमारे ये क्या कहते हैं पोप फ्रांसिसी होंगे, और एंटोनिया गुटेरस होंगे। ठीक है, ये तीनों होंगे, और बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए भी कि हमारे प्रधानमंत्री को चुना गया है। इसके मुख्य बिंदु पर हम नज़र डाल लेते हैं। मैक्सिकन राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया कि शीर्ष आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना चाहिए। ठीक है, और आयोग का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में युद्धों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश करना होगा। उनके मुताबिक यह आयोग युद्ध रोकने के लिए कम से कम 5 साल के लिए एक संधि करने के लिए समझौता करेगा। मैक्सिकन राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी युद्ध को किस स्थिति में वे तीनों मिलेंगे और जल्द ही हर जगह युद्ध को रोकने का प्रस्ताव पेश करेंगे। ठीक है, तो इसमें मुख्य बिंदु यही है कि विश्व शांति के लिए ये जो मैक्सिकन राष्ट्रपति, इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इन तीनों को शामिल किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को, इनको दोनों को, पोप फ्रांसिसी और एंटोनियो गुटेरस को, और विश्व शांति के लिए एक संधि बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किस मिसाइल का उपयोग किया? ठीक है, अलकायदा के प्रमुख हैं ये ऐमान अल जवाहिरी, कौन है ये एक किस्म से लगा लेंगे हम कि ओसामा बिन लादेन था ना, उसके ही उत्तराधिकारी हैं, अल जवाहिरी बनने वाले थे ये, लेकिन इनको मारने के लिए एक मिसाइल का उपयोग किया गया, उसका नाम क्या है? R9X हेलफायर मिसाइल। ठीक है, ये देखेंगे, ये एक बड़ी स्पेशल मिसाइल है, इसमें आगे की साइड ये ब्लेड लिखे गए हैं, लगाए गए हैं, और इसमें ना एक किस्म से ये निंजा बम कहा गया है इसमें। ठीक है, निंजा बम, ठीक है, और देखेंगे ये है मिसाइल, तो इस मिसाइल का प्रयोग करके ही अल जवाहिरी को मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हाल ही में किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए परवाज योजना शुरू की गई है? परवाज, ठीक है, परवाज से ही वो आता है, थोड़ा सा हिंट मिलता है, जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं ना उस साइड, जम्मू कश्मीर में, तो क्या है परवाज योजना? कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, और इसमें क्या है ये, इसमें है ना वहाँ के जो किसान हैं उनको मदद करने के लिए एयर कार्गो की सुविधा दी जाएगी, कि क्योंकि ये ना वहाँ पर कुछ ऐसी होती हैं सब्जियाँ और फ्रूट्स
उनका उत्पादन होता है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो दो तीन दिन लग जाते हैं उनको, मतलब जैसे उनका उत्पादन हुआ उसके बाद मार्केट मिलने में उनको टाइम लग जाता है। उसके लिए क्या करा गया, सरकार ने वहाँ पे प्रवास योजना के अंतर्गत उन्होंने उनको एयर कार्गो की सुविधा दी गई, जिससे कि बाई एयर कहीं पे भी, जहाँ पे भी उनको, उत्तर प्रदेश में, आपके राजस्थान में, केरला में, जहाँ पे भी उनको वहाँ से सप्लाई करनी है, जल्दी ही पहुँच जाएगा सामान उनका, प्रोडक्ट, और बिकने के लिए वो मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत की रैंक कौन सी है, कौन सी है? डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में 7वीं है। ठीक है, 7वां स्थान है डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या है जिसे इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पेश किया गया है? उसका नाम है कौन सा? ईगल रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन भूमिपुत्र किस राज्य के लोगों को जन सेवा प्रदान करेगा? मिशन भूमिपुत्र, ठीक है, ये कहाँ के लोगों को देगा? असम का। तो इसमें क्या होगा, और ये शुरू कब किया गया मिशन भूमिपुत्र? ये 1 अगस्त को, 1 अगस्त को शुरू की गई। और इसमें क्या है, छात्रों को डिजिटल प्रमाण पत्र, जो कि डिजिटल जो उनका जाति का प्रमाण पत्र होगा ना, वो डिजिटल रूप से मिलेगा, और इसमें वो आसानी से और डिजिटल तरीके से वो अपना निकाल पाएंगे। तो इसमें मिशन भूमिपुत्र है जिसमें कि उनका जाति का प्रमाण पत्र आपका डिजिटल रूप से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? सबसे बड़ा है पूरी दुनिया का, तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में, ये रहा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुरी किस देश का मून मिशन है, कहाँ का है ये? साउथ कोरिया का। देखेंगे इसके मुख्य बिंदु, दक्षिण कोरिया ने पहली बार चंद्रमा के लिए अपना मिशन रवाना किया है। अपने चंद्रयान धनुरी को भेजने के लिए उसने स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट की मदद ली है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि धनुरी को कौन से रॉकेट से भेजा गया? स्पेस एक्स से। ठीक है, याद रखेंगे, इस मिशन का मकसद है भविष्य में इंसानों के लिए सही लैंडिंग साइट खोजना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, सबसे ठंडे और अंधेरे वाले इलाके की स्टडी करना। तो स्पेस एक्स का जो है फोटो ये है, इससे ये धनुरी को भेजा गया। ठीक है, ये स्पेस एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की उड़ान पहल शुरू की है? भारत की उड़ान है, ठीक है, किसने, किसके साथ शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना IAF ने किस देश की वायुसेना के साथ मिलकर उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, उदार शक्ति से ही पता चलता है, ये है किसका नाम सामने आता है? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? बाल मृत्यु दर कम करने के लिए ये एक अभियान है, जिसमें पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान जिसका नाम रखा गया है, जिसमें कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल तक के, जो उनकी मृत्यु हो जाती है पैदा होने के बाद, तो उसको मतलब कम करने के लिए है। ठीक है, तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो ये पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने विजिलांटी नामक एक अभियान शुरू किया है? विजिलांटी नामक एक अभियान है, किसने शुरू किया है? HDFC बैंक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, उन सबको रोकने के लिए, ठीक है, फेक ऐप्स बना लेते हैं जिसके थ्रू फ्रॉड होता है ज़्यादातर, तो उसको रोकने के लिए कैसे रोका जाए? तो ये विजिलांटी एक अभियान उन्होंने शुरू किया है, HDFC बैंक का है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हर घर जल बन राज्य बन गया है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें कि हर घर में जल उपस्थित है? तो वो है गोवा। ठीक है, पानी के मामले में बहुत अच्छा हिसाब है वहाँ पर गोवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन होगा? कौन होगा? झारखंड। की ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? इसमें ना जो आपकी खरीफ और रबी, मतलब टाइम टू टाइम उनको किसानों को बीज वितरित किए जाएंगे, सरकार करेगी, और इसका नाम रखा गया है ब्लॉकचेन टेक्निक। इसमें जिससे कि आपका सूखा जो पड़ जाता है, कई बार झारखंड में ज़्यादातर पड़ चुका है, तो उस स्थिति से निपटा जा सके, ठीक है। वो स्थिति बार बार ना आए, तो उसके लिए टाइम टू टाइम से आपका बीज वितरित होंगे किसानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? कहाँ पे शुरू की है? ये शुरू की है असम में, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू की गई है ये योजना? वहाँ के सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ये परियोजना की गई है शुरू, विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स। और ज़्यादातर ये किसके लिए शुरू की गई है? जो आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं बच्चे या विकलांग होते हैं, ठीक है, उनके लिए है योजना, जिससे कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना आए और उनकी पढ़ाई टाइम टू टाइम होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय रेलवे ने परीक्षण किया? उसका नाम है सुपर वासुकी, ठीक है। ये एक मालगाड़ी है, लंबी मालगाड़ी है, और ये 15 अगस्त पे जो अपना अभी कौन सा था स्वतंत्रता दिवस, 76वें स्वतंत्रता दिवस पे इसका परीक्षण भारतीय रेलवे द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल केंद्र का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किया गया? ये किया गया पंजाब में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से नॉलेज वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।